यूपी का जनपद महाराजगंज का खुनौली गांव का दिए बाबा स्थान इतना जागृत व विश्वसनीय कि मानो जमीन पर भगवान उतर आए हों। लगातार और आस्था और विश्वास का केंद्र बनता जा रहा है। आज से 10 वर्ष पूर्व इतनी भीड़ नहीं थी पर आस्थान जरूर था, पर आज के समय में जिस तरह आस्था और लोगों का विश्वास बढ़ता जा रहा है उसने लोगों की सोच को दंग कर दिया है। मन्नत मांगे थे क्या? क्या मन्नत पूर्ण हो गई? किस प्रकार की मन्नत था? मन्नत तो था कोई जो प्रश्न नहीं रखा जाता है। अच्छा, बाबा आपकी मुरादें पूरी कर देते हैं? हाँ, किए। ठीक है, आप यहीं के निवासी हैं? किस गांव निवासी हैं? यहीं के निवासी हैं। गांव गांव का नाम क्या है? कनौली। कनौली निवासी। आपका नाम? उपेंद्र। उपेंद्र, बता दें कि गांव के कुरदार की तबीयत ऐसी बिगड़ी कि बीमारी डॉक्टरों से बाहर की हो गई। मनौती डी बाबा के स्थान का रखा तो जल्द ही ठीक हो गए और चबूतरा बनवा दिया। इसी तरह के बाद एक की मनौती पूरी होती गई और नित दिन मंदिर का भव्य विकास भी होने लगा और दिनांक 5/8/2017 को उक्त चबूतरे पर प्राण प्रतिष्ठान के साथ संपूर्ण ग्राम व आसपास के लोगों के मौजूदगी में बकायदा गाजे बाजे के साथ धूमधाम से मूर्ति का स्थापना किया गया। मूर्ति स्थापना के पहले पूजन होता है, पूजन करने के बाद स्थापित किया जाता है, भजन कीर्तन किया जाता है, पंडित जी उसका मंत्रोच्चार करते हैं, उसके बाद मूर्ति का स्थापित करके अपना कपूर अगरबत्ती जलाया जाता है। ये हम सबका आराध्य देव हैं, इसलिए इनकी आराधना भी की जाती है। क्या कौन से मतलब ओ किन की मूर्ति रखी गई है? डी बाबा हैं ये जो अपने घोड़े पे सवार होते हैं, इनकी सवारी घोड़ा है। यहाँ कब से मान्यता मनाई जाती है? ये बहुत ही प्राचीन है, लेकिन 2 वर्षों से जो है यहाँ पे मूर्ति स्थापित किया गया है। 2रा वर्ष यह मूर्ति स्थापना का दिवस मनाया गया है आज। क्या सबकी बाबा मन्नत पूरी करते हैं? हाँ, सबकी मन्नत पूरा करते हैं। मूर्ति स्थापना भी आज मनौती की वजह से ही हुआ। बता दें कि उपेंद्र नाम के व्यक्ति ने मनौती मांगी थी कि उसकी माली हालत ठीक हो जाए और जल्द ही सुधर जाए तो वह माता का प्राण प्रतिष्ठान मूर्ति का स्थापना कर देगा। घर में धन धान का वर्षा हुआ और विदेशों में बच्चे अच्छा पैसा कमाने लगे तथा घर में धन्य धान से परिपूर्ण हो गया और इसी धूम में उक्त व्यक्ति आज की आस्था बढ़ा और उसने मूर्ति का स्थापना करा दिया। जनपद महाराजगंज के खनौली से संजय कुमार पटेल और बैजनाथ की रिपोर्ट।